बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप जी। तो हम इस वीडियो में इंटरनेशनल लॉ के फर्स्ट पार्ट UNO चार्टर के MCQs के पर नज़र डालेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट MCQ था, UNO चार्टर वाज फाइनलाइज्ड इन, ये हुआ था 25 जून 1945। नेक्स्ट है, ये UNO चार्टर वाज साइन ऑन, ये हुआ था 26 जून 1945। नेक्स्ट है, ये टोटल मेंबर हु साइंड ऑन UNO चार्टर, ये 51 मेंबर थे जिन्होंने साइन किए थे। नेक्स्ट है, ये टोटल पार्टीज और मेंबर्स ऑफ UNO चार्टर, ये थी 193 पार्टीज। नेक्स्ट है, ये UNO चार्टर कम्स इनटू फोर्स, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, टोटल चैप्टर ऑफ चार्टर, इसके हैं टोटल 19 चैप्टर। नेक्स्ट है, टोटल आर्टिकल्स ऑफ चार्टर, इसके टोटल आर्टिकल हैं 111 आर्टिकल्स। नेक्स्ट है, ये टोटल लैंग्वेज यूज इन चार्टर, ये 6 लैंग्वेज यूज हुई थी इस चार्टर में। नेक्स्ट है, UNO हेड ऑफिस इन, ये है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, ये सेशन ऑफ UNO चार्टर, UNO जनरल असम्बली, ये साल में एक दफ़ा होता है सेशन जनरल असम्बली का। नेक्स्ट है जी, इन विच मंथ जनरल असम्बली सेशन हेल्ड, ये सितंबर का महीना है जब ये सेशन हेल्ड होता है। नेक्स्ट है जी, इन विच फॉर अमेंडमेंट एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड, इसके लिए होती है सर 2/3 मेजॉरिटी होती है किसी भी अमेंडमेंट करने के लिए या उसको अप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल वन डिस्कस अबाउट UNO पर्पस को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल टू, ये डिस्कस करता है टू डिस्क्राइब अबाउट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल थ्री, ये डिस्कस अबाउट बेसिक मेंबर्स के मुतालिक है। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल फोर, ये डिस्कस अबाउट हु कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल सेवन इज डिस्कस, ये UNO के ऑर्गन्स को डिस्कस करता है ये आर्टिकल। नेक्स्ट है, टोटल UNO ऑर्गन्स आर, इसके 6 ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल एट इज डिस्कस अबाउट, ये इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन के मुतालिक ये आर्टिकल डील करता है। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 22, दीज आर्टिकल आर डिस्कस अबाउट जनरल असम्बली एंड देयर वोटिंग। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल 23 to 32 आर डिस्कस अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन एंड पावर्स के मुतालिक ये डिस्कस करता है आर्टिकल, ये सारे 23 से लेकर 32 तक। नेक्स्ट है, ये जो कि 2020 के एग्जाम में भी MCQs आ चुका है, ये है ये टोटल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसके होते हैं 15 मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये होते हैं 5 जो कि परमानेंट होते हैं। टेम्प्रेरी मेंबर्स आर, ये 10 मेंबर्स होते हैं जो टेम्प्रेरी होते हैं। नेक्स्ट है, ये बेसिक एम ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसका होता है वर्क फॉर इंटरनेशनल पीस को बरकरार रखे। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल 33 to 38 आर अबाउट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के मुतालिक हैं ये आर्टिकल। नेक्स्ट है, 39 to 51 आर्टिकल, ये आर्टिकल हैं एक्शन ऑन थ्रेट्स टू पीस। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल 52 to 54 ये डिस्कस करती हैं रीजनल अरेंजमेंट्स के मुतालिक में। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 55 to 60 आर अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 62 to 66 दीज आर आर्टिकल डिस्कस अबाउट फंक्शंस एंड पावर्स। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 68 to 72 दीज आर्टिकल्स आर प्रोसीजर के मुतालिक हैं। नेक्स्ट है जी, 75 to 85 आर्टिकल, दीज आर्टिकल्स आर अबाउट इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम के मुतालिक हैं ये आर्टिकल। इसके बाद है जी, आर्टिकल 86 to 91 आर डिस्कस अबाउट कंपोजिशन एंड पावर ऑफ काउंसिल एंड वोटिंग प्रोसीजर, ये 86 से 91 ये आर्टिकल डील करते हैं। इसके बाद ही आर्टिकल 92 to 96 दीज आर्टिकल डिस्कस अबाउट ICJ के मुतालिक, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के बारे में ये आर्टिकल डील करते हैं। इसके बाद ही आर्टिकल 102 to 105 आर अबाउट मिसलिनियस प्रोविजन के मुतालिक
डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी 106 आर्टिकल टू 107 आर अबाउट ट्रांसलेशन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के मतलब ये आर्टिकल्स। इसके बाद हैं आर्टिकल 108 टू 109 आर अबाउट अमेंडमेंट्स ऑफ यूएनओ चार्टर। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 110 एंड 111 यानी कि 110 और 111 ये डील करते हैं रेटिफिकेशन एंड सिग्नेचर के मुतालिक में। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के MCQs के मुतालिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।